सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया गुस्से में एक महिला से माइक खींचते नजर आ रहे हैं, जिसके साथ पल्लू भी नीचे आ जाता है। बीजेपी नेता अरुण यादव व अन्य यूजर्स ने इसे कांग्रेस का दुशासन और जनता दरबार में महिला का चीरहरण बता रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान डी फ्रैक की टीम ने पाया कि वीडियो 2019 का है। उस समय सिद्धारमैया सीएम नहीं थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मैसूर के वरुणा में एक कार्यक्रम के दौरान एक महिला क्षेत्र में विधायक के न आने की शिकायत करती है। इस दौरान सिद्धारमैया ने बहस के दौरान माइक छीन लिया, जिसके साथ उसका दुपट्टा भी गिर गया। दरअसल मैसूर के वरुणा से सिद्धारमैया के बेटे यतेंद्र सिद्धारमैया विधायक थे। बाद में सिद्धारमैया एक्स पर स्पष्ट किया था कि यह घटना तब हुई जब उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ता को अधिक समय लेने से रोकने की कोशिश की और यह एक दुर्घटना थी। उन्होंने कहा था कि मैं उस महिला को 15 साल से ज्यादा समय से जानता हूं और वह मेरी बहन जैसी है। डी फ्रैक के फैक्ट चेक से स्पष्ट है कि वायरल वीडियो हाल फिलहाल का नहीं बल्कि 2019 का है, जब कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी। उस समय सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री नहीं थे, इसलिए बीजेपी नेता अरुण यादव व अन्य सोशल मीडिया यूजर्स का दावा मिसलीडिंग है।